नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं श्रेया आपके साथ। बिहार के शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सारे यूनिवर्सिटीज की अब पावर घटा दी जाएंगी। इससे महाविद्यालय के प्रशासन में बड़ी खलबली मच गई है। उन्होंने ये भी आगे बताया है कि वो इसके लिए 3 कमेटी का भी गठन किया जाएगा जो इसके निर्धारित सारे फैसले लेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी की योजनाओं के लिए भी काम किया जाएगा। क्या है ये पूरी खबर, आइए आपके बीच साझा करते हैं। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के वित्तीय प्रबंधन के लिए योजना के क्रियान्वयन के लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सीनेट नहीं, सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विकास की योजनाएं तय की जाएंगी। इसके लिए सरकार ने योजना तय करने की प्रक्रिया बदल दी गई है। नई प्रक्रिया के तहत निर्माण कार्य, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3 कमेटी का गठन कर दिया है। योजना के चयन एवं कार्यान्वयन के लिए अनुशंसा के अधिकार नवगठित कमेटी को सौंप दिया गया है। इसके पहले विश्वविद्यालय के स्तर पर योजनाएं तय होती थी और राशि की मांग सरकार से की जाती थी। माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले से राज्य के विश्वविद्यालयों में खलबली मच गई है, क्योंकि योजनाएं तय करने, उनके लिए बजट बनाने और कार्यान्वयन कराने से अधिकार का विश्वविद्यालयों से छीन लिया गया है। शिक्षा विभाग ने सचिव बैद्यनाथ यादव और आदेश के मुताबिक राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए नई योजनाओं का चयन एवं अनुशंसा के लिए अब राज्य मुख्यालय स्तर पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसकी अध्यक्ष शिक्षा विभाग से अपर मुख्य सचिव एकदम सचिव होंगे, संयोजक सदस्य उच्च शिक्षा निर्देशक होंगे। कमेटी के सदस्यों से संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव एवं बिहार के शैक्षिक आधारभूत संचार विकास निगम BSIRDC के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंत होंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों में नई योजनाएं या फिर जीर्णोद्धार योजनाएं, इसका चयन एवं अनुशंसा के लिए शिक्षा विभाग सचिव की अध्यक्षता को गठित कमेटी करेगी। इस कमेटी में संयोजक सदस्य उच्च शिक्षा निर्देशक बनाए गए हैं, जबकि कमेटी के सदस्य में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव एकदम BSIRDC में मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता शामिल किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में अपने आदेश को एवं स्पष्ट करते हुए ये तय किया गया है कि प्राथमिकता सूची के आधार पर ही प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों व अनुभूत महाविश्वविद्यालयों का राशि उपलब्ध कराई जाएगी। महाविद्यालयों से संबंधित प्रस्ताव जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला अधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों द्वारा आंतरिक स्तर पर उपलब्ध राशि जनप्रतिनिधित्व या किसी अन्य माध्यम से राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के क्रियान्वयन की जाएगी। एक बार अनुशंसित योजना का पूरा होने के बाद ही दूसरी योजनाएं ली जाएंगी। सरकार अनुदान की क्रियान्वयन होने वाली योजनाएं का कार्य BSIRDC के स्तर पर होगा। जिन संस्थानों पर असैनिक अभियंत्रण कोषांग की सुविधा नहीं है, वे 50 लाख रुपए तक की असैनिक योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तरीय अभियंत्रण कोषांग और इसके ऊपर की योजनाओं के लिए BSIRDC के अभियंत्रण कोषांग के सदस्यता प्राप्त की जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्राथमिकता सूची की अनुरूप योजनाएं को कमेटी में समक्ष रखा जाएगा। कमेटी के समक्ष यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन योजनाओं का क्रियान्वयन उसके आंतरिक स्तर पर किया जाएगा तथा किन योजनाओं के लिए सरकार से अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी। कमेटी की अनुशंसा के बाद योजनाओं को जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। अंगीभूत महाविद्यालयों के विकास की योजना का निर्धारण एवं क्रियान्वयन जिला अधिकारी अध्यक्ष वाली कमेटी करेगी। इसके संयोजक जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। संबंधित महाविद्यालयों के प्रचार, भवन निर्माण एवं विभाग के कार्यपालक अभियंता या फिर जिला अधिकारी द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व इसके सदस्य होंगे। कमेटी की बैठक में आवश्यकता अनुसार होगी। बैठक में विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा आंतरिक समिति के असैनिक कार्य एवं उपसरकार पुरस्कार आदि के कार्य हेतु न्यूनतम आवश्यकता अधिकारी
प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। तो जैसा कि आपने इस खबर में सुना कि किस तरीके से अब सरकार ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है और सारे सरकार की शिक्षा विभाग से जुड़े सारे फैसले अब सरकार ही लेगी और यूनिवर्सिटीज और बाकी सारी को उनको योजना को भी मानना पड़ेगा। इसके लिए वो 3 कमेटी का भी गठन करेगी। तो इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।